लो फ्लेम पे इनके जो अंदर आलू है मसाला ये भी बहुत अच्छी तरह गल जाता है और पकौड़े भी खस्ता बनते हैं। और उसके बाद आप इस तरह इनको निकाल लीजिए। तो ये देखिए कि जब सुर्खी माइल हो जाएं तो उस वक्त मैंने इनको निकाला है। तो इसलिए फ्लेम का बहुत ख्याल रखना होता है कि ज़रा भी हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए पकौड़े तलते हुए। और जब नेक्स्ट टाइम डालने लगे और आपको लगे कि अब तेल थोड़ा ठंडा ठंडा पिए मतलब कम गर्म है तो उस वक्त थोड़ा सा फ्लेम आप हाई कर लें और उसके बाद फिर लो कर दीजिए। क्योंकि जब इतने सारे हम पकौड़े डालते हैं तो तेल थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम हाई करके और उसके बाद फिर लो कर दिया कीजिए। और एक और बात ये कि मैंने कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा नहीं भरा। और ये देखिए, पहले आप ये देख लीजिए कि कितने अच्छे ज़बरदस्त किस्म के खस्ता खस्ता नरम मज़ेदार चटपटे पकौड़े तैयार हो गए हैं। और बहुत ही चंद चीज़ों से कि वो चीज़ें अमूमन हर घर में मौजूद होती हैं, तो इसलिए जब भी जी चाहे तो इसी तरह इन क्वांटिटी से ये काफ़ी सारे पकौड़े बन गए हैं। तो आप चाहें तो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ इनका मज़ा दुबाला कीजिए। तो बात कर रही थी मैं ऑयल की कि जब भी कढ़ाई में आप ऑयल डालें, तो मैंने तो तकरीबन हाफ कढ़ाई ऑयल डाला है, इसलिए कि एक दफ़ा पकौड़े बनाने के वक्त या जब हम चिप्स बनाते हैं पकौड़े या कोई भी चीज़ तलते हैं तो उसके बाद फिर वो तेल जो है वो चाय वाली छन्नी के साथ निकाल लिया कीजिए और अगले किसी खाने में शामिल कर दिया कीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप पकाने लगें तो बिल्कुल साफ़ तेल और नया तेल डालिएगा तो चीज़ अच्छी बनती भी है और मज़ेदार भी बनती है और ऑयल भी ज़ाया नहीं जाता। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो अब बारिश के मौसम का मज़ा लीजिए, ख़ुद भी खाइए, घर वालों को खिलाइए। तो बहुत ही मज़ेदार लचकदार पकौड़े बने हैं, खस्ता पकौड़े बने हैं और चंद चीज़ों से हमने तैयार कर लिया है। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
तो प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़।